नहीं लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लगा रहे हैं, अभी यार आम जनता लगाने लगी। अब आम जनता ऐसा ही महसूस कर रही है कि आपदा में कांग्रेस लगातार अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। जहां कहीं पे भी अगर हम बात करें, इनके लोग, कांग्रेस के मंत्री लोग और कांग्रेस के जो विधायक लोग हैं, ये वीडियो लेवल तक की निर्दयता पे उतर आए हैं। ये वीडियो लेवल के लोगों को आपदा से जो नुकसान हुआ है, जो क्षति में है, लोग दुख से प्रभावित हैं, लोग पूरी तरह से, लेकिन ये एक विडंबना है कि ऐसे में भी ये वीडियो लेवल के तक के लोगों को धमकाने, डराने, धमकाने का काम शुरू हो गया है। उन्हें कहा जा रहा है, निरंतर उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं कि जो इसको पैसा देना है, इसको नहीं देना है। यहीं पे आप देखिए कि छोटा सा किसी का कोई एक छोटा मोटा डंगा गिरा है, उसे 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें, भाजपा के पास कोई प्रूफ है वैसे? आपके पास कोई जानने वाला है जिसको पैसा ना मिला हो और बंदर बांट हुई, ऐसा कोई प्रूफ है भाजपा के पास? क्यों रिलीज नहीं कर देती बीजेपी? एक आधा प्रूफ हमारे पास नहीं है, हमारे पास सैकड़ों ऐसे प्रूफ है। अगर कभी वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए शिमला में और प्रूफ सामने रखिए। और जरूर जरूर, अब हमारा अगला कदम इसी पे होगा। अगर जो है, अगर ये अपने नीति और नीति को नहीं बदला, तो अगला हमारा कदम यही है, हम यही करने वाले हैं। बहुत जल्दी हम इसको, ये जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, इनको हम सार्वजनिक करने वाले हैं। और लंबे समय से समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकारी निकायों का पैसा वापस मांगा जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं हम आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनकी सहायता करना चाह रहे हैं, एक तरफ उन्हीं को दिया हुआ लगभग 76 करोड़ रुपए वापस मांगा जा रहा है। और इस सरकार की अपनी क्या उपलब्धि है? सारा कुछ तो केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा है, जिसके और उसका भी पूरी तरह से आवंटन सही तरीके से नहीं हो रहा है। लगभग 27,000 करोड़ सड़कों के रखरखाव के लिए केंद्र से दिया गया है। 400 करोड़ अभी गडकरी जी मान लीजिए आए थे कुल्लू में, 400 करोड़ रुपए फिर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें जो है हिमाचल में भेजी जा रही हैं। और अगर वैसे भी हम बात करें तो कर्जे